हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पता नहीं है तूने किसे टच किया है? अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने कब हाथ लगाया? अच्छा ये ले, पुलिस भी आ गई है। आने दे, देख लूंगा। क्या हुआ? देखिए ना, इसकी हिम्मत देखो, इसने मुझे हाथ लगाया है। सर इसने कॉलर पकड़ा है मेरा पहले। अरे सर इसने पी हुई है। अरे क्या पी हुई है? सर इसे गाड़ी तो चलाने नहीं आती है। अरे एक मिनट रुक जाओ, तूने हाथ लगाया मैडम को? तो सर ये कुछ भी करेगी और मैं खड़ा होकर देखता रहूंगा। तो तू हाथ लगाएगा? सर मैं तो कह रही हूँ क्यों इसकी बात सुन रहे हो, इसे अंदर करो, तभी समझ में आएगी इसने किया क्या है। हाँ तो कर दो अंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट रुक जाओ मैडम, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ, ये आपको सॉरी बोलेगा, बात को यहीं खत्म कर दो। सॉरी बोल मैडम को। सर मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाला। बहुत अकड़ है ना तुझमें, एक सॉरी भी नहीं बोला जा रहा मैडम से। जब सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया, जब अंदर जाएगा ना तब सब पता चल जाएगा तुझे। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सच बोल रहा है? औरत पे हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है पता है? मैडम बताइए कौन सी धार लगाऊं इस पे? गाली दी होगी इसने, 294 लगा देता हूँ। नहीं। धमकी दी होगी, 506 लगा देता हूँ। नहीं। तो छेड़खानी की होगी, 345 लगा देता हूँ। अरे नहीं। तो मैडम इसने किया क्या है? अरे मैं बोल तो रही हूँ उसने मुझे हाथ लगाया है। लेकिन सर इसने पहले कॉलर पकड़ा था मेरा। सर क्यों उसकी बात सुन रहे हो, इसे अंदर करो ना आप। ठीक है मैडम, आप चाहते हो ना हम इसे अंदर कर दे, आप एक काम करिए, रात बहुत हो गई आप घर चले जाइए, हम इसे अंदर कर देंगे। अरे मैं यहाँ पे आधी रात को घर जाने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, इसे अंदर करवाने के लिए खड़ी हुई हूँ यहाँ पे मैं। लेके जाओ इसे अंदर। एक मिनट सर। आप कौन हो? वो मैं इन दोनों के साथ कैब में ही थी, जब ये लोग झगड़ा करने लगे तो फिर मैं घबरा गई और मैं चली गई। अच्छा मैडम, किसी को मुसीबत में छोड़ के आप डर के भाग गए। बताइए एक्चुअल में हुआ क्या था? पहले मुझे ड्रॉप कर दो, कि थोड़ा अर्जेंट है। नहीं मैम, पहले इन मैम को छोड़ूंगा, इनका ड्रॉप पहले आएगा। प्लीज ना भैया, थोड़ा सा अर्जेंट है। ठीक है मैम, मुझे नहीं पता क्या अर्जेंट है, मेरी ऐप में पहले इनका ड्रॉप दिखा रहा है, तो पहले इन्हें ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा तो अब तेरी ऐप डिसाइड करेगी क्या अर्जेंट है और क्या नहीं। हाँ ठीक है मैम, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ। सेफ्टी इसीलिए ज्यादातर रेप केस कैब में ही होते हैं ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं मैम आप? देखो मैंने इस कैब के पैसे दिए हैं और ये कैब मैंने ही बुक की है, तो पहले मुझे ड्रॉप करना। मैडम आपके बोलने से कुछ नहीं होता, आप बैठ जाइए चुपचाप। मरेगा क्या? ओए तू गाड़ी चलानी आती नहीं है, चलाता क्यों है फिर? मैडम कॉलर छोड़िए मेरा। सब लोग एक जैसे ही होते हो, भरोसा करने के बिल्कुल लायक नहीं होते हो। अरे तुम सबसे क्या मतलब है आपका? एक दो कैब वालों ने ऐसी हरकत कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सभी कैब वालों को ऐसे जज करोगे। सबको ही करूंगी, बोल क्या करेगा? देखो कॉलर छोड़ो मेरा। तो सब लड़कियों को ऐसी परेशान करता होगा ना। अरे मैंने कहा कॉलर छोड़ मेरा। रुक अभी पुलिस को फोन करती हूँ मैं। हाँ तो बुला पुलिस को। हाँ ठीक है, लेकिन पहले कार से उतर। क्यों उतरा? भैया मेरा घर पास में ही है, मैं जा रही हूँ, ये आपके पैसे। बाहर उतर। जो मैडम ने बताया उस हिसाब से इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ अगर ये कंप्लेन करे तो इनके साथ बदतमीजी और कॉलर पकड़ने के जुर्म में आप पे केस जरूर हो सकता है। नहीं सर मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, इन जैसे लोग रोज मिलते हैं मुझे। मैडम आप लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं उसका आप गलत फायदा उठाओगे, किसी भी कुछ भी केस कर दोगे। चलिए सॉरी बोलिए इनको। I'm sorry. और तुम मैडम को ठीक ठाक घर पहुंचाना है। जी सर। जाइए मैडम। आइए मैडम।